दोस्तों स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं स्क्रू ढीला। दोस्तों फिल्म अनाउंसमेंट हो चुकी है, यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे करण जौहर और डायरेक्ट कर रहे हैं शशांक खेतान और इसमें जो स्टार कर रहे हैं वो है टाइगर श्रॉफ। तो नाम से तो काफी मुझे कुछ खास वाइब नहीं आ रही है उनके। स्क्रू ढीला तो थोड़ा मेंटल टाइप सा लग रहा है और एक्शन एक्शन लग रहा है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। थंबनेल से भी लग रहा है कि इसमें एक्शन होने वाला है, लेकिन किस टाइप का एक्शन होने वाला है दोस्तों ये देखकर मजा आएगा। वैसा ना हो जैसे पहले से होता है हीरोपंती जैसा हो, प्लीज कुछ अच्छा सा बढ़िया सा हो तो मजा आए। 3 मिनट का है तो उसे देखते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। सो हियर वी गो। नहीं हुआ बोलो दोस्तों, एक बार फिर से करेंगे। सो हियर वी गो। ओके ठीक है, एक्शन मूवी लग रही है। हाँ एक्शन। ओहो अच्छा जी। सर अखिलेश मिश्रा, आपको कोई गलत फहमी हुई है? ओके तो डबल रोल या इसीलिए स्क्रू ढीला हो जाएगा। हीरोइन कौन है? वी डोंट नो, इसमें कुछ भी नहीं पता। अब आई थिंक इसका स्क्रू ढीला होने वाला है। यस कम ऑन मैन, भाई हो गया ढीला। ओह क्या बात है, क्या था भाई। नाइस। ओके अभी तक तो बढ़िया जा रहा है। नाइस एक्शन में यार, एक्शन में कोई मुकाबला नहीं है भाई, बस ढंग से करवाया जाए तो। ये सही है, बुलेट्स है वो भी आते हुए दिख रही है। नाइस नाइस एक्शन की क्वालिटी यार बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। ओ भाई ओके स्लो मोशन का भी जबरदस्त यूज है, सही जगह पे सही टाइम पे। ये क्या था भाई, ये तो असर ही कोई नहीं है, थोड़ा सा तो दर्द होना चाहिए। अरे भाई ओ आओ वाओ दर्द, आई लाइक इट। बस वहां पे दर्द थोड़ा सा तो यार होना चाहिए था ना। अब इसके पीछे दर्द का क्या आ रहा है, वो आ रही हो भाई। स्क्रू ढीला अच्छा ये थोड़ी बताएंगे आप हमें भाई। इसको तुम टीजर ही समझ लो, ये अनाउंसमेंट क्या हुआ। स्क्रू ढीला एक्शन अच्छा लग रहा है आई थिंक, लेकिन जो वो जो वहां वाला था यार, मतलब वी नो लाइक कि तुम बताना चाहते हो कि जब उसका स्क्रू ढीला हो जाता है तब लाइक वो एकदम कुछ परवाह नहीं रहती उसको, ना उसको लगती है ना वगैरह कुछ। लेकिन थोड़ा तो यार होते तो आई थिंक ज्यादा रियलिस्टिक लगता, थोड़ा सा हो गया। बाकी अदरवाइज जो एक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। बट एक्शन मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन करते हैं एंड तगड़े वाले एक्शन हीरो हैं। बट द थिंग इज कि यार उनकी जितनी भी मूवीज एक्स्ट्रा करवा देते हैं उनसे, हाँ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करवा देते हैं एंड स्टोरी लाइन अब बिल्कुल नहीं होती है, बेकार कंसेप्ट पे मूवी बना देते हैं। तो लेट्स सी कि ये मूवी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, स्टोरी लाइनअप अच्छी हो और मूवी में बिल्कुल जो है वो लॉजिक होना चाहिए एंड उनकी जो फाइटिंग सीन्स हैं वहां पे भी लॉजिक होना चाहिए। हीरोपंती जैसा नहीं होना चाहिए कि यार कहीं से भी कूद रहे हो, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो अगर अच्छे से किया जाए तो लाइक आप वॉर एग्जाम्पल सामने है तुम्हारे कि अगर अच्छे से किसी अच्छे एक्शन डायरेक्टर या डायरेक्टर के पास हो, स्टोरी अच्छी हो तो भाई साहब इजीली बिगेस्ट मूवीज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी इनके भी देखना पड़ेगा कि कैसे स्क्रिप्ट से चूज कर रहे हैं, जैसे पीछे मुन्ना माइकल एंड और कैसे इनको आगे करनी है। जैसे ये है लुक्स गुड, लेकिन देखते हैं स्टोरी में कितना दम है और एक्शन और इससे कैसे बेहतरीन होने वाला है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। बाकी हीरोइन का भी उन्हें हल्का सा ही यू नो दिखाया है, तो देखते हैं कि इसमें कौन होने वाला है, कुछ पता नहीं है अभी हमें, तो लाइक बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ आने भी बताया। एंड आप गेस कर सकते हैं कि इसमें हीरोइन कौन होने वाली है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यार सारे सीन्स में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा बताना, और तुम्हें कुछ बेकार लगा तो मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जय हिंद।